अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है माशाल्लाह से। हम आप सब जानते हैं कि आज किसान खवातीन का दिन मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं कि उस बारे में जानने के लिए क्या खवातीन के हकूक क्या हैं, हम खवातीन के बारे में कितना जानते हैं। लोग तो पहले जमाने में समझा जाता था कि खवातीन सिर्फ घर के दहलीज के अंदर ही रहे, लेकिन आज के ज़माने में ख़वातीन बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। इसी तरीके से जो खेतों में काम करती हैं ख़वातीन, हम जो आज खाना खा रहे हैं, हम जो अनाज तरकारी खा रहे हैं, फल फ्रूट खा रहे हैं, ये सारे पीछे जो है हमारे बहुत सारे लोग हैं। हम जब एक चावल का दाना खाते हैं तो 70,000 मखलूक के हाथ से गुजरते हुए हमारे हाथ में पहुँचता है। तो इस तरीके से हम ख़वातीन भी किसान काम करती हैं खेतों में और मर्द हज़रात भी काम करती हैं। तो इस तरीके से आज हम ख़वातीन हज़रात के बारे में जानेंगे। तो आज के हमारे मेहमान हैं, आपको तो मोहताज यानी तारुफ का मोहताज नहीं है, जिसका चैनल है डॉक्टर हलीमा सादिया मैडम आज के होस्ट हैं, आज के मेहमान हैं। और आज आपके सामने किसान खवातीन के बारे में मैडम आपके सामने तफसील से बताएंगे इंशाल्लाह ताला, आप सुनिए और समझिए इंशाल्लाह। मैडम मैं आपको दावत देती हूँ कि आप हम सबके जो इल्म में नहीं है, हमारे पीछे बहुत सारे हाथ है जो हमारे पास इस मुकाम पे ठहरा करेंगे, लेकिन हम उनको जानते नहीं है, उनको पहचानते नहीं है। उन सबको आज आप हमारे सामने रूबरू करिए। जज़ाकअल्लाह खैर मैडम, मैं आपको दुआ करती हूँ डॉक्टर हलीमा साहब मैडम। जी आयशा, अस्सलाम वालेकुम एंड नाजरीन आदाब। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा तारुफ यहाँ पेश किया और आपने मकसद भी पेश किया। तो सबसे पहले मैं अपने तमाम देशवासियों को आज कॉन्स्टिट्यूशन डे के पे मुबारकबाद पेश करती हूँ, जिसे कि नेशनल लॉ डे के तौर पे भी मनाया जाता है। लेकिन इसके साथ ही मैं ये अर्ज कर दूँ कि मैं अपनी बेबजाती भी यहाँ साबित जाहिर करना चाहती हूँ कि जिस मुद्दे को लेकर के आज हम यहाँ पे आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि यह ऐसा मुद्दा है जिसमें खुद मेरा हाथ बहुत तंग है और जिसमें हम सबको ज्यादा मालूमात नहीं है। ये आज ऐसा हुआ इत्तफाक से कि मुझे एक जर्नलिस्ट की मेरे पास कॉल आया और उन्होंने मुझसे ये दरख्वास्त की कि अगर आप किसान खवातीन के बारे में आपको मालूमात है, आपने कुछ उनके बारे में जानने की कोशिश की है, कुछ रिसर्च किया है, या फिर अगर आपके नॉलेज में कोई किताब उर्दू जबान में है जो किसान खवातीन के बारे में लिखी गई है, तो आप हमें जरूर बताएं, ताकि मैं एक उनके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, एक रिसर्च पेपर तैयार कर रहा हूँ, तो मैं उसकी रोशनी में आप लोगों को मैं उसे तैयार कर सकूं। यकीन जानिए नाजरीन कि मुझे इतनी ज्यादा शर्मिंदगी हुई इस बात से कि हमने इस पहलू पे कभी गौर ही नहीं किया था और हमने कभी सोचा ही नहीं था कि जो किसान खवातीन है, हमारी जो बहनें हैं खेतों में काम करती हैं, हम उनके बारे में भी लिखें, पढ़ें, सोचें, समझें, उनके हकूक की भी बात करें। तो आज का दिन जो कि मखसूस है नेशनल लॉ के डे के तौर पे, तो आज हमने सोचा क्यों ना हम उन खवातीन को कुछ की कुछ बातें करें जो कि हमारे टेबल तक हमारे लिए खाने का इंतज़ाम करती हैं। वो एक ऐसी समाज का ऐसा हिस्सा है जिनको हम कह सकते हैं इग्नोर किया जाता है, निगलेक्ट किया जाता है, और जिनको समाज में वो मकाम नहीं मिलता है जो कि उन्हें मिलना चाहिए। तो उसके बाद फिर हमने थोड़ी सी मालूमात हासिल करने की कोशिश की उन बहनों के बारे में, यानी कि हमारे किसान खवातीन बहनों के बारे में। तो फिर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं जो कि मैं आपके सामने मुख्तसरन पेश करूंगी अभी, कि हमारी जो किसान बहनें हैं, हालांकि मैं यकीन जानिए कि हमारी जितनी भी बहनें हैं हमारे ग्रुप में, हमारे एनजीओज में, हम सब पिछले कितने सालों से ख्वातीन के हकूक के लिए और ख्वातीन के तरक्की के लिए और ख्वातीन के लिए न जाने कितने सालों से हम काम कर रहे हैं, और मुझे याद भी नहीं कि कितने सालों से हम काम कर रहे हैं। हम इसमें हरियाणा गए, हम वहाँ भी गए, बिहार भी गए और बहुत सारे स्टेट्स में हम गए, लेकिन हमने इस तरह की तस्वीरें तो बहुत देखी जो कि अभी स्क्रीन पे हैं और आप भी देख रहे होंगे इस वक्त ये तस्वीरें। ये तस्वीर जिसमें कि औरतें ट्रक में भर के, कभी बसों में भर के, कभी उसमें ट्रैक्टर में भर के, ये औरतें जो जाती है खेतों में काम करने के लिए, कुछ खवातीन तो अपने खेतों में काम करती हैं और कुछ खवातीन दूसरों के खेतों में भी एज ए मजदूर काम करती हैं। तो ये तस्वीरें तो हमने बहुत बार देखी,
लेकिन हमने कभी ये जानने की नहीं कोशिश की कि इन ख्वातीन के हुकूक क्या हैं, इनको क्या मिल रहा है, जो इनको मिलना चाहिए वो इन्हें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और इनके बारे में हमने मजीद मालूमात जानने की कोशिश नहीं की। हालांकि मुझे एक वाक्य याद आता है कि जब मैं हरियाणा गई थी मेवात में, और वहां पे हमारे एनजीओ का काम चल रहा था, तो वहां हमने अपनी बहुत सी बहनों से मुलाकात की, जिनको हमने कुछ एजुकेशन के बारे में बताया, कुछ उनको किस तरह से वैल्यूज अपनी जिंदगी में डे टू डे लाइफ में हमें हाइजीन है, हाइजीनिक वैल्यूज हैं, पर्सनल वैल्यूज हैं, इन सब का कैसे ख्याल रखना चाहिए, ये तमाम बातें हमने उनके साथ की थी। तो लेकिन हमने उनको काम करते हुए भी देखा था कि वो खेतों में काम कर रही थी, लेकिन हमने कभी ये जानने की नहीं कोशिश की कि हमारी ये बहनें जो खेतों में काम कर रही हैं, इनको क्या मिल रहा है, इनको इसका सिला क्या मिल रहा है, क्या ये अपनी जिंदगी से खुश हैं, क्या इनको अपनी जिंदगी में सुकून है, क्या इनको इतनी मेहनत जो वो खेतों में भी करती हैं फिर घर आके अपने घरों में भी करती हैं, इन तमाम मेहनत के सिले में क्या उनको वो तमाम चीजें मिल रही हैं जो इन्हें मिलनी चाहिए। तो जब मैंने इस बात का जिक्र किया अपने जितने भी रफ़्क़ाए-कार हैं और जितने भी हमारे कलीग्स हैं और हमारे चैनल से जुड़े हुए अफराद हैं, खासतौर से ख़वातीन, तो उन्होंने यही मुझे मशवरा दिया कि क्यों ना हम इस टॉपिक पे बात करें और क्यों ना हम अपनी ख़वातीन को आज इस दिन, जबकि हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहे हैं जिसे कि नेशनल लॉ डे भी कहा जाता है, तो क्यों ना आज हम इन ख़वातीन के बारे ही में बात करें और उनको एक अपनी तरफ से एक तोहफा पेश करने की कोशिश करें। तो देखिए नाजरीन, जैसा कि मैंने रिसर्च किया तो मुझे मालूम हुआ, जब मैंने जानने की कोशिश की कि जो औरतें हैं वो इंडिया का जो फूड प्रोडक्शन है उसका 80% हिस्सा जो है वो ख्वातीन पैदा करती हैं, यानी ख्वातीन उसको उसकी पैदावार के लिए जिम्मेदार हैं। आप यकीन जान सकते हैं कि ये कितना बड़ा हिस्सा है, और मुझे तो यह वाकईतन बहुत ही अफसोस हो रहा है इस वक्त कि इतना बड़ा हिस्सा जो ये ख्वातीन अपना दे रही हैं खाना उगाने में, और हम सब उसको कितने आराम से सुकून के साथ घर बैठे उसे हम खाते हैं और चंद पैसे खर्च करके मार्केट से लाके खाते हैं, तो हम ये एहसास नहीं करते हैं कि इन औरतों की जो जिंदगी है वो कितनी मुशक्कत तलब जिंदगी है, कितनी मेहनत वो करते हैं, पहुंचती हैं। तो उसके बाद फिर आगे जब मजीद मालूमात करेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये वो ख्वातीन हैं जो 80% फूड तो उगा रही हैं लेकिन वो इनविजिबल हैं, अनपेड लेबर फोर्स हैं, यानी इनकी कहीं पे बात भी नहीं होती है, समाज में कहीं पे भी इनका जिक्र नहीं होता है, इनका मुद्दा उठाया नहीं जाता है, इनके इश्यूज पे चर्चा नहीं होती है, और इनको अनपेड भी इसलिए कहा गया क्योंकि अगर ये अपने जैसे कि घरों में काम कर रही हैं तो वहां तो उनको पेमेंट मिलने का सवाल ही नहीं है, तब तो उनको ऐसे ही लिया जाता है जैसे कि हम घरों में अपने बर्तन धोते हैं, झाड़ू लगाते हैं, कपड़ा साफ करते हैं, खाना बनाते हैं, तो वो अनपेड होता है, उसके लिए हमें कुछ नहीं मिलता। उसी तरह से इनको अगर ये अपने घरों के खेतों में काम करती हैं तो वहां तो इन्हें इसके लिए कुछ भी नहीं मिलता है, और अगर ये दूसरों के घरों में काम करती हैं, दूसरे खेतों में काम करती हैं, तो फिर वहां पे भी जो उनको मजदूरी मिलती है उस मजदूरी में भी काफी डिस्क्रिमिनेशन होता है, उस मजदूरी में भी इनकी इनकी मेहनत के हिसाब से इनको पैसा नहीं दिया जाता है, जबकि जो मर्द हजरात होते हैं उनको ज्यादा पैसा दिया जाता है। तो ये इनको ना तो कोई टाइटल मिला हुआ है, ना कोई एजाज है, ना इनके लिए कुछ तमगे बनाए गए हैं, ना इनको कोई अवार्ड दिया जा रहा है, ना इनकी हौसला अफजाई किसी तरह से की जा रही है। तो बहरहाल इन ख्वातीन ने फिर अपने हुकूक के लिए बात की और उन्होंने फिर एक मोर्चा निकाला था जिसमें कि उन्होंने कोशिश की थी कि दुनिया के सामने अपने हुकूक की बात कर सकें। तो ऑक्सफर्म एक ऑर्गेनाइजेशन, आपको मालूम होगा, उन्होंने जो एक रिसर्च की थी उसमें बताया गया था कि 75% जो वर्कर्स हैं इंडियन खेतों में, वो उसमें से 75% जो है वो औरतें हैं, और 75% सोचिए जो काम करने वाले खेत में हैं उनमें ख्वातीन का हिस्सा है, और ये जो ख्वातीन फार्मर्स हैं वो 60-80% जो है वो साउथ एशियन कंट्री के फूड को उगाती हैं और उसके लिए वो जिम्मेदार हैं। तो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन जो ख्वातीन हमारे लिए कर रही हैं, आज वो हम उन ख्वातीन के बारे में बात नहीं करते हैं, वो बिल्कुल निगलेक्टेड हिस्सा हैं। तो मैं यही कोशिश करूंगी कि अपने चैनल के जरिए इस मुद्दे पे आज हम बात करें, और मैं यहाँ पे अपने कुछ बच्चे भी हमारे साथ शामिल हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो फ्यूचर होते हैं,
और जब हम उन तक कोई बात पहुंचाएंगे तो यकीनन वो बात ज्यादा दूरस होगी, क्योंकि वो आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जो फ्यूचर है, उसके वो मेमार हैं। और राइट बात है कि हमारे मुकाबले में उनका क्याम इस दुनिया में और ज्यादा होने वाला है और ज्यादा रहने वाला है, और वो ज्यादा दिनों तक इस दुनिया में रहने वाले हैं, उम्मीद यही की जाती है। तो इसलिए हमने उनको शामिल किया है। और मैं अभी फिर और भी कुछ बातें करूंगी, लेकिन आइए पहले उनके ख्यालात में जान लेती हूँ कि वो बच्चे किसान और जो किसान खवातीन है या मजदूर खवातीन है वो क्या सोचते हैं। जी आयशा साहबा, ओवर टू यू, आप इन बच्चों को शामिल कर सकती हैं गुफ्तगू में। अलीशा, नाजिया, आप कुछ कहना चाह रहे हैं बेटा इस बारे में? कुछ कहना तो नहीं चाहती, बट इतना जरूर कहूंगी कि सच में हमारी देश की जो खवातीन किसान हैं उनके लिए अभी कोई भी प्रोग्राम नहीं हो रहा है, उनको उनके कामों के लिए कोई भी अवार्ड नहीं मिल रहा है। हम वो जो काम करती हैं उससे हमें खाना मिलता है, अनाज मिलता है, बट उन्हें कुछ उसके बदले में नहीं मिल रहा है। सो पे बात होनी चाहिए, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक प्रोग्राम उनके लिए रखा गया है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटे, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, बहुत अच्छी बात कहा आपने। इसी तरीके से इंशाल्लाह और आगे भी प्रोग्राम करेंगे हम, और भी ज़्यादा मालूमात हासिल करेंगे और उनको ज़्यादा सहूलत पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे इंशाल्लाह। अरिबा करीम, प्लीज़ आप कुछ कहना चाह रही हैं मैम? अरिबा करीम मैम, इट्स अरीब करीम। हाँ, अरीब करीम, यस बोलिए। हाँ, आप अपने ख्यालात बोल सकते हैं, बोलिए। मैम, ये मेरे लिए बहुत ठीक है कि आप लोग, हाँ बोलिए, कि आप लोग इस बारे में बात कर रही हैं। ठीक है, इंशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह खैर। यस नादिया खान, आप हाँ तो कहें, कुछ कहना चाह रही हैं इस बारे में नादिया खान? आयशा अगर नहीं, आदिया खान कर रही है अनम्यूट, तो कोई बात नहीं है। अरीब, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि बेटा अरीब, आपने और अलीशा, आप दोनों ने क्या कभी किसी मजदूर औरत को खेतों में काम करते हुए देखा है? यस मैम। तो जब वो काम करती हैं औरतें, तो आपके दिल में किस तरह का जज्बा आता है? क्या आपने कभी सोचा उनके बारे में? मैम, ये बात तो मुझे नहीं कुछ कभी समझ आई। यही तो मैं कह रही हूँ ना कि बात दरअसल ये है कि आप ही ने नहीं, सबने देखा उनको काम करते हुए, सबने उनकी मेहनत को देखा, सबने उनके मशक्कत को देखा। मुझे भी याद है कि जब मैं छोटी थी तो मैं कश्मीर में थी, तो वहां मैंने देखा था कि कश्मीर में जो खवातीन हैं वो खेतों का सारा काम, बाग का सारा काम खुद कर रही थी अपने हाथों से, और फिर वो घर में आके खाना भी बनाती थी, और फिर वो शाम को अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी मशगूल रहती थी। तो ये तमाम चीजें जो है वो हमने वहां देखी थी कि वो खवातीन कर रही थी, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि हम उनसे बात करें, उनसे पूछें कि वो इतनी मेहनत करती हैं तो उनको क्या सिला मिलता है, क्या उनको उनकी मेहनत के बराबर सिला मिलता है कि नहीं मिलता है, क्या उनको एज ए वर्किंग वुमन कंसिडर किया जाता है कि नहीं किया जाता है। तो इस तरह की चीजें हैं कि हम उन्हें नजरअंदाज ही करते रहे। बल्कि मैंने अभी अभी, मैं थोड़े दिनों पहले कांधला भी गई थी, तो वहां पर जा करके, जब मैं काफी मतलब बड़ी हो गई हूँ, तब अभी गई हूँ कुछ दिनों पहले ही, तो वहां मैंने देखा कि एक खेत में एक फादर और उनकी बेटी, यानी ये दोनों एक पेयर के तौर पे खेत में काम कर रहे थे। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मैं उन दोनों को काम करते हुए देख रही थी। तो मैंने फिर उन दोनों से बात की और दोनों से हमने फिर इंटरव्यू किया, कंडक्ट किया उनका, और उनके इंटरव्यू को हमने फिर रिकॉर्ड किया। तो इस तरह से मेरे जहन में थोड़ा सा जज्बा आया था। जी नादिया, आप कुछ कह रही हैं, प्लीज बताइए। नादिया करीम, आप अनम्यूट करिए अपने आप को, करके बोलिए प्लीज। मैडम, आप अनम्यूट हैं, म्यूट करिए।
नादिया क्या प्रॉब्लम है बेटा, आप अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं खुद को, तो आप ऐसा करें आप एग्जिट करके दोबारा आए, क्योंकि यहाँ तो सभी और अनम्यूट कर पा रहे हैं खुद को। तो आयशा आप बताएं कि आपका क्या कोई एक्सपीरियंस इस तरह का है जिसमें आपने इस तरह की खवातीन को देखा हो, उनसे बातें की हो, उनको जानने की कोशिश की हो आपने? हाँ मैडम, मैंने तो देखा है, मैंने तो हर 2-3 महीने में एक मरतबा गांव जाती हूँ और वहां पर खवातीन को देखती हूँ। वो बहुत सारा काम करती हैं, झाड़ को पेड़ने का, झाड़ कैसा पौधे लगाने का है, सारी चीजें देखती हूँ, ठहर के समझती हूँ, उनसे पूछती भी हूँ कि कैसा है। लेकिन मेरा भी ध्यान नहीं गया कि उनके हुकूक उनको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ये मैंने नहीं पूछा उनसे, और उनको कोई अवार्ड है क्या नहीं है, उनको क्या है नहीं, मैंने नहीं पूछा। लेकिन मैंने तो देखा है, मैं तो देखती भी हूँ और देख रही हूँ कि कैसा लोग काम करते हैं खेत में, कितनी मशक्कत होती है उनको, पूरा दिन दिन भर धूप में काम करते हैं, जब बारिश होती है तो उस बारिश में भीगते हुए घर पे पहुंचने तक पूरा भीग भी जाते हैं, बच्चे छोटे छोटे साथ में होते हैं, एक मरतबा जब घर से सुबह निकल जाते हैं तो शाम तक पूरा 5-6 बजे तक काम करके खेत में से, जब अपने खल हल रहते हैं साथ में, उनके जो भी सामान रहता है सब लेके, उनके जो गीत होते हैं देह खान के जो गीत होते हैं वो गाते हुए बड़े मजे लेते हुए आते हैं वो लोग, वो जरा भी नहीं थकते हैं, कभी उनके चेहरे पे शिकम नहीं आता है कि हम थक गए सारा दिन काम करने की वजह से आज हम थक गए बोले, कभी उन लोग के चेहरे पे शिकम नहीं देखा मैंने। मैं कई मरतबा देख चुकी हूँ लेकिन मैंने ये नहीं जाना कि उनको हुकूक मिल रहे हैं, उनकी क्या क्या जरूरतें हैं, उनको क्या चीजें चाहिए, उनके बारे में थोड़ा और हम किसी से बात करें, उनको क्या तकलीफ है, ये नहीं सोची मैंने। इंशाल्लाह आइंदा से ये भी सोचेंगे, पूछेंगे उनसे, जब भी जाऊंगी मैं इंशाल्लाह गाँव में सबसे पूछूंगी कि आखिर आपको तकलीफ है, कम है, दूर है, क्या है, आपकी क्या जरूरतें हैं, आपका कुछ डिमांड है क्या है, ऐसा उनसे पूछूंगी, इनका कुछ मतालबा है क्या। इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छी चीज है हम खवातीन के लिए, सब के लिए, क्योंकि मेहनत तो करना है, हर फील्ड में मेहनत है, आप टीचर के जॉब में जाइए मेहनत है, आप प्रोफेसर जाइए, डॉक्टर जाइए, इंजीनियर, जो भी जॉब कर रहे हैं आप, हर एक में मेहनत है। तो ये इसी तरीके से किसान भी है, वो भी मेहनत कर रहे हैं, सबकी मेहनत अलग अलग है, अल्लाह ताला सबके दर्जे अलग अलग बनाए हैं। इंशाल्लाह हमको उनके भी हुकूक के लिए लड़ना है, उनके भी हुकूक को उनको फराहम करना है, उनकी सारी चीजें उन तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपकी और हमारी काविशों को कामयाब करे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह जरूर। तो आयशा मैं यहाँ ये बता रही थी कि अभी तो मैंने आपके सामने कश्मीर की मिसाल दी, जो मेरी अपनी जिंदगी की मिसालें हैं, फिर मैंने आपके सामने उत्तर प्रदेश की भी मिसाल रखी जी, और मेरे सामने जो है ना वो मिसाल बिहार की भी है कि वहाँ भी खवातीन को मैंने देखा, खासतौर से जो धान की वो होती है रुपाई होती है, बहुत ज्यादा पानी उसमें होता है जी जी, वहां से पहले एक बार जो बहुत घना घना वो धान के पत्ते होते हैं उसको निकालते हैं और फिर दूर दूर उसको फैलाते हैं और फिर दूर दूर उसको लगाते हैं, तो बहुत ही उसमें समझ लीजिए कि 2-2 फीट पानी होता है, जिस पानी के अंदर वो जाके और फिर हाथ से एक एक पौधे को वो लगाती है, तो वो बहुत बहुत मेहनत का काम होता है जी। अब मैं आपके सामने एक मिसाल हरियाणा की भी देना चाहती हूँ कि वहां भी मुझे इत्तेफाक हुआ जाने का, और वहां भी मैंने खास तौर से मेवात के इलाके में मैंने वहां पे काम किया और वहाँ खवातीन से बात की, तो वहां तो ये है कि ना सिर्फ खेत का काम बल्कि जानवरों का भी काम, और बल्कि जो अगर बागात है तो उसका भी काम, सारा ही काम खवातीन को करना पड़ता है, और जो मर्द हजरात होते हैं वहां पे, अब तो सत्रह सूरत हाल बदल गई हो लेकिन मैं पहले की बात बता रही हूँ जब मैं गई थी, और वहां पे मर्द हजरात का यह होता है कि वो आराम कर रहे होते हैं, जैसे उनकी एक चारपाई होती है उस पे बैठ के खटिया बोलते हैं, उस पे बैठ करके हुक्का पी रहे होते हैं, और पंचायत तो लग रही होती है, लोग आते हैं खुशगप्पियां करते हैं। तो जब हम वहां पहुंचे थे अपने पूरे कारवा के साथ, हमारे साथ बहुत सारी खवातीन थी, तो हमें यही डायलॉग सुनने को मिला था कि अपनी अपनी औरतों को हटा दो वरना ये जो यूपी बिहार से औरतें आई हैं ये उन्हें वरखला देंगी और उन्हें खेत का काम करने से या जानवरों का काम करने से मना करेंगी, तो इन्हें मिलने मत दो। तो उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि वो खवातीन हमसे ना मिल पाए, लेकिन बहरहाल उनकी कोशिश नाकाम रही और हम कुछ खवातीन से मिलने में कामयाब हो पाए, और उनसे हमने फिर बातें की, उनको उनके राइट्स के बारे में उनको अवेयर किया, उन्हें बहुत सारी चीजें बताई, खास तौर से पर्सनल हाइजीन के बारे में, उनके बिल्कुल वो मुहतात नहीं थी तो उसके बारे में हमने बातें की, ताकि वो अपनी सेहत ना गवा बैठे, ताकि वो बीमारियों का शिकार ना हो जाए। सही,
तो इस तरह का वाक्या जो है वो हमारे हमने हमारी जिंदगी में इस तरह से पेश आया, तो हमें लगता है आयशा कि इस पर बहुत काम करने की जरूरत है। जी हाँ बिल्कुल, बहुत काम की जरूरत है। इंशाल्लाह हम शाना बशाना सबके लिए काम करेंगे और उसमें इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमको कामयाबी भी देगा जी इंशाल्लाह। अब देखिए चूंकि ये उर्दू का प्रोग्राम है और हमने इसको उर्दू के हवाले से इस प्रोग्राम को यहाँ पे मुनाकिद किया है और उसमें हमने खासतौर से किसान महिलाएं लिया है, तो क्या आप देखिए वजह क्या है कि मैंने बहुत कोशिश की मालूम करने की कि क्या किसान महिलाओं पे उर्दू में कोई किताब अवेलेबल है, किसी ने कोई किताब लिखी है, किसी ने उसमें तबादमाई करने की कोशिश की है, तो मेरी नॉलेज में तो नहीं था। और मैं अभी नाजरीन से भी पूछ रही हूँ जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं कि अगर आपके नॉलेज में अगर कोई ऐसी किताब है तो आप जरूर हमें बताएं ताकि फिर हम फिर उसके बेस पे और आगे बात को कर सके और मजीद उनकी उन खवातीन के हकूक के लिए और उनके तहफ्फुज के लिए हम मजीद कोशा रह सकें। तो आई थिंक हमने काफी सैर हासिल गुफ्तगू कर ली है और बहुत बहुत शुक्रिया अपने बच्चों का भी अदा करते हैं और आयशा आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पे इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाया। जजाकल्लाह खैर मैडम, आपने इस कदम को उठाया आगे बढ़े, आप इस काविश के लिए कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम सब इसमें मिलकर साथ में काम करेंगे, अल्लाह ताला हम सबके मकासिद को पूरा करे। जजाकल्लाह खैरन कसीरा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू वेरी मच। एंड नाजरीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, बराए करम इस मुहिम को आगे बढ़ाइए और आप उन खवातीन के बारे में भी सोचिए और उनके भी जिंदगी है, उनकी भी खुशियां हैं, उनकी भी राहत है, उसके बाद उसका पूरा ख्याल करें। जी थैंक यू वेरी मच एवरी वन, शुक्रिया बहुत बहुत।